साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक और बड़े उलटफेर की खबरें आ रही हैं। हालात ये कि उद्धव ठाकरे खुद उद्धव ठाकरे घबरा गए हैं, डर गए हैं, दहशत में आ गए हैं। अमित शाह के बंद कमरा वाले प्लान से बुरी तरह से डर गए हैं और इसीलिए तो रात में ही उद्धव ठाकरे ने अपने करीबियों को बुला लिया, क्योंकि डर और खौफ बगावत का सताने लगा है। तो क्या वाकई में विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक और बार बगावत होगी? तो सब कुछ दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़े उलटफेर की स्क्रिप्ट तैयार नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे गुट एक बार फिर से खलबली मची हुई है उनके अंदर और ये सब कुछ हुआ है अमित शाह के नागपुर दौरे के ठीक बाद। पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझिए। असल में महाराष्ट्र में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब अक्टूबर के पहले हफ्ते या कहेंगी पहले 10 दिन के अंदर चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो इसी के बीच हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है और हाल ही में अमित शाह नागपुर आए थे और यहाँ जनसभा को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, नेताओं से भी मिले, मगर ये सब कुछ रूटीन था। और रूटीन से अलग जो था वो ये था कि बंद कमरे में एक हाई लेवल मीटिंग हुई और इसी मीटिंग ने महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा दी है, भूचाल ला दिया और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे को भी पब्लिकली मानना पड़ा कि हाँ अमित शाह ने बंद कमरे में मीटिंग की थी और वो बंद कमरे वाला प्लान उद्धव ठाकरे शरद पवार पर भारी पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अमित शाह ने अपने करीबी नेताओं को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि कैसे भी करके उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बाकी बची पार्टी को खत्म किया जाए और इनको राजनीतिक रूप से शून्य किया जाए। अब उद्धव ठाकरे ने खुद पब्लिकली माना है कि अमित शाह एक बार फिर से उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, शरद पवार की पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। तो प्लान यही है। जी हाँ, बीजेपी इसी कोशिश में है कि विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी में एक बार फिर से टूट हो जाए, एक एक बार और बगावत हो जाए, जिससे बचे खुचे नेता भी अलग हो जाए, इनकी पार्टी में उद्धव ठाकरे और शरद पवार अकेले ही बचे। आगे देखिए, खबर ये भी है कि इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है और कुछ लोगों को बीजेपी की तरफ से अप्रोच भी किया गया है। और यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चुनाव की घोषणा से पहले ये सब कुछ कर लेना चाहती है ताकि चुनाव आयोग का कोई भी दखल ना हो और बीजेपी महायुति की जीत आसान हो जाए। और यही नहीं, इस बार की बड़ी खबर ये भी है कि बीजेपी इस बार डायरेक्ट इस चीज में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती, यानी कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के अंदर मौजूद नेताओं को ये बगावत इस बार करनी होगी। इसके लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है और इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं होगा, बाहर ऐसा दिखाया जाएगा। अब खबर है कि इसका अंदाजा होते ही उद्धव ठाकरे शरद पवार गुट दहशत में आ गए, डर गए, घबरा गए, क्योंकि उनकी आधी आधी पार्टियां पहले ही टूट चुकी हैं। ज्यादातर बड़े नेता पहले जा चुके हैं, लिहाजा अब बाकी के नेता बचे खुचे नेता भी चले गए तो उनके पास कुछ बचेगा नहीं। और इसीलिए तो उद्धव ठाकरे ने अपने करीबियों को रातों रात मातोश्री बुला लिया। जी हाँ, रविवार की रात मातोश्री में कुछ करीबी नेताओं को उद्धव ठाकरे की तरफ से बुलाया गया और इस पूरे प्लान पर बातचीत की गई। सभी नेताओं को अलर्ट रहने और अपने आसपास के नेताओं पर कार्यकर्ताओं पर नजर रखने को कहा गया। खबर है कि उद्धव ठाकरे गुट इस गुटबाजी और पार्टी की टूट से बचने के लिए जल्दी बड़ा फैसला ले सकती है और विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही नवरात्रि में ही अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है उद्धव ठाकरे की पार्टी, जिसमें 60 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों का नाम हो सकता है। तो ऐसे में लोगों को रोकने के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है, ये कुछ प्लान यहाँ पर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी का बंद कमरा प्लान पूरी तरह से ऑन है, चालू, और इसने उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा दी है। वो हाथ पैर मार रहे हैं, अब देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। क्या उद्धव ठाकरे इस बार अपनी पार्टी को बचा पाते हैं नहीं बचा पाते, ये देखना बहुत बड़ी बात होगी। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी में टूट हो जाएगी या फिर इस बार मामले को ठाकरे संभाल लेंगे? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे चुनाव से पहले बुरी तरह से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, खासतौर पर नाना पटोले को लेकर बेहद ज्यादा परेशान है और ये खुलासा किया है उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता भास्कर जाधव ने। भास्कर जाधव ने बड़ा खुलासा किया कि सीट शेयरिंग को लेकर उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा परेशान है और खासतौर पर नाना पटोले के आक्रामक रवैये ने उनको झकझोर कर रख दिया, हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। लिहाजा उद्धव ठाकरे कुछ बोलने की, कुछ कह पाने की, कर पाने की कंडीशन में नजर ही नहीं आ रहे। भास्कर
शंकर जाधव ने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे मजबूत थे क्योंकि कांग्रेस तब पीछे थी और तब उद्धव ठाकरे ने अपने हिसाब से फैसले लिए, अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा किया, लेकिन जब नतीजे आए तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे आगे पहुंच गई, जबकि शरद पवार की पार्टी ने भी 9 में से 8 सीटें जीत ली, यानी कि स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा बना लिया, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी 21 सीटों पर लड़ने के बाद भी सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाई, यानी कि कांग्रेस और एनसीपी यहां पर मजबूत हो गए। और भास्कर जाधव का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही उद्धव ठाकरे लगातार दबाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस अब खुलकर बोल रही है, खुलकर खेल रही है, खासतौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले एक्शन में नजर आ रहे हैं और इससे उद्धव ठाकरे को ही सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। भास्कर जाधव के मुताबिक कांग्रेस विदर्भ में पूरी की पूरी सीटों की डिमांड कर रही है क्योंकि विदर्भ में उनका प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा था और इसी बात पर उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा परेशान है। भास्कर जाधव ने कहा कि जैसे लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने अपने हिसाब से सीटें सेट की थी, बंटवारा किया था, तो उनको अब डर है कि कांग्रेस अपने हिसाब से वैसा ही ना करने लगे, इसीलिए ठाकरे डरे हुए हैं और रात में भी इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, नाना पटोले के नाम से ही घबराने लगे हैं। भास्कर जाधव ने यह भी बड़ा खुलासा किया कि उद्धव ठाकरे खुद को मजबूत करने के लिए, खुद की ताकत को बढ़ाने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर से भी विधानसभा चुनाव को लेकर अंदर खाने बातचीत कर रहे हैं और प्रकाश अंबेडकर ठाकरे के साथ आते हैं तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे मजबूत हो जाएंगे और इसके बाद वो कांग्रेस के साथ ज्यादा बार्गेनिंग बेहतर तरीके से कर पाएंगे, लिहाजा उद्धव ठाकरे इस कोशिश में भी जुटे हुए हैं और परेशान भी नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर समझौता लगभग फाइनल हो चुका है। कांग्रेस 288 में से 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि जो सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना 95 सीटों पर, जबकि शरद पवार की एनसीपी 80 सीटों पर और बाकी की 8 सीटें अन्य पार्टियां अन्य सहयोगियों के लिए रखी जा सकती हैं। तो ये फिलहाल का फॉर्मूला बना हुआ है। उद्धव ठाकरे इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो पा रहे, उनको इस फॉर्मूले से परेशानी है क्योंकि उनको लगता है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को 120 सीटें दी जाए जबकि कांग्रेस इस पर किसी भी कीमत पर मानने को तैयार ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें दी जा सकती है, सबसे ज्यादा सीटें होंगी तो सबसे ज्यादा सीटें जीतने की संभावना भी कांग्रेस की होगी और इसी बात से उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं चुनाव के बाद कांग्रेस और एनसीपी इतनी ज्यादा सीटें ना जीत जाए, इतनी ज्यादा ताकतवर ना हो जाए कि उनकी अकेले ही सरकार बन जाए और महाविकास अघाड़ी के अंदर शिवसेना यूबीटी का अस्तित्व ही लगभग खत्म हो जाए, तो इसी बात से वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? वाकई में उद्धव ठाकरे का डर जायज है? क्या उद्धव ठाकरे के करीबी भास्कर जाधव ने जो खुलासा किया वो बिल्कुल ठीक है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।